सब्सक्राइब कीजिए एक्सट्रीम हॉबीज चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी आज की रेसिपी है चीजी पोटैटो कटलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 चम्मच सूजी यानी कि रवा लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। और यहाँ पर मैंने 2 आलू को उबाल के लिया है, उबाल कर मैंने इसको स्मैश करके लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप मोजरेला चीज लिया है, ब्रेड क्रम्स, और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को 2 चम्मच पानी डालकर पेस्ट बना के लिया है। तो सबसे पहले हम पैन में 1/2 कप पानी लेंगे और इसमें हम सूजी को अच्छे से पकाएंगे। तो पानी को उबाल आते ही इसमें सूजी डालिए और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए। यहाँ पर हम सूजी को लो फ्लेम पर पका रहे हैं। सूजी अच्छी तरह से पकने के बाद हम इसे पूरी तरह से ठंडा करके लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी सूजी पककर रेडी हो गई है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूजी को एक बाउल में निकाल के लिया है। तो अब हम इसमें बाकी सभी सामान मिला के लेंगे। तो यहाँ पर मैंने उबला हुआ आलू डाला है, कटा हुआ हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें नमक, गरम मसाला और चाट मसाला भी डाल दिया है। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मसल कर एक डो बना लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रह पाए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बना के लिया है। तो अब हम इसमें से एक स्मॉल पोर्शन निकालकर इसको राउंड शेप दे देंगे और इसके अंदर हम मोजरेला फिल करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको अच्छे से बना लीजिए और अंदर थोड़ा सा मोजरेला डाल दीजिए। तो अब हम इसे बंद कर लेंगे और फिर से इसे राउंड शेप देते हुए कटलेट का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सारे कटलेट बना के लिए हैं, देखिए। तो अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बना के लिया है, इसमें हम इस कटलेट को डीप करके लेंगे। तो पहले इसमें इस तरीके से कटलेट को डीप कीजिए और बाद में इसमें ब्रेड क्रम्स में डालकर पूरी तरीके से ब्रेड क्रम से कोट कर दीजिए। ये देखिए, तो इस तरीके से सारे कटलेट रेडी कर लीजिए। यहाँ पर मैंने सारे कटलेट रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में तेल डाला है।
मैं इसे डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, इसे बस मैं शालो फ्राई करके लूंगी, इसलिए मैंने पैन में थोड़ा सा तेल डाला है। तो अब इसमें कटलेट डालकर हमें लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। तो 4 मिनट हो गए हैं, 4 मिनट के बाद मैं इसे टर्न करके ले रही हूँ। देखिए इसको अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसे दूसरी साइड से भी लो फ्लेम पर 4 मिनट के लिए फ्राई करके लेंगे। तो यहाँ पर हमारे कटलेट दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे एक पेपर टॉवल पर निकाल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे कटलेट रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो इसे टमेटो सॉस के साथ या फिर शेजवान चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।